रास्ता तो होगा। सर जा सकते हैं, इधर जा सकते हैं, पैदल जाना अलाव है, पैदल पैदल जाना अलाव है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्हाट्स अप गाइस, जय हिंद, सलाम अलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू माय चैनल बॉन्ग किड। फ्रेंड्स, आज सुबह सुबह हम निकल गए हैं एक छोटा सा राइड के लिए। काफ़ी दिनों से हम सोच रहे थे बट निकलने का फुर्सत नहीं हो रहा था, तो आज वो दिन, वो फुर्सत आ चुका है। और कल संडे था, कल हम निकलने के लिए पूरा तैयारी कर रखे थे, पर बारिश हो रहा था इतना कि हम निकल नहीं पाए। और आज अभी लगभग 6:20 हो रहा है, काफ़ी लेट हो चुका है, बट कोई बात नहीं, आज का सफ़र थोड़ा लंबा होगा, बट कहाँ तक होगा वो हमें अभी तक नहीं पता है। हम सुबह सुबह निकल गए हैं, मतलब निकल गए हैं, अब कहाँ पहुँचेंगे, कितना बजे तक पहुँचेंगे, डोंट वेरी। चलो आगे चलते हैं। सूरज इधर से निकल रहा है और अभी का मौसम देखो, पूरा धुंध छा रखा है हल्का हल्का। और अभी हम फ्लाईओवर के ऊपर से जा रहे हैं, इसलिए फ्लाईओवर के ऊपर से देखो दिल्ली का नज़ारा कैसे दिखता है, काफ़ी बेहतर दिखता है। नीचे जाने से जैसे बहुत ज़्यादा खिचपिचा लगता है, बट फ्लाईओवर के ऊपर देखो इतना रस भी नहीं है। अभी मॉर्निंग का टाइम है, खाली खाली है और बहुत ही मस्त लग रहा है। अभी हम गाजियाबाद पहुंच चुके हैं, ये गाजियाबाद एरिया है। तो यहाँ पे देख पा रहे हो कि मेरे ऊपर मेट्रो स्टेशन गया हुआ है, एलिवेटेड रेड लाइन है। और यहाँ का एक चीज़ बहुत अच्छा लगता है मुझे, जो कि यहाँ पे कुछ मतलब कुछ पिलर छोड़ छोड़ के बहुत ही अच्छा अच्छा मैसेज दिया गया है। यहाँ पे देखिए, जैसे पर्यावरण, बेटी बचाओ, ये मेट्रो का है, यहाँ पे पर्यावरण का है, मतलब सांस्कृतिक कलाओं का बहुत बड़ा एक जागरूकता फैलाया गया है इंसान के अंदर, इसलिए ये वाला एरिया मुझे काफ़ी बेहतर लगता है और बहुत ही लाजवाब है यार, इतना मस्त लगता है ना। इस रास्ते से जब भी गुजरता हूँ तो जैसे ही जो पिलर में दिखता है, भाई कौन से रॉन्ग साइड में आ गया, चलो कोई बात नहीं। तो ऊपर लिखा है गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, ये तो लिखा हुआ है, इसका ये देख के लगता है ये यूपी सरकार का ही कुछ योगदान है, क्योंकि ये सेंट्रल और यूपी गवर्नमेंट का मिला जुला है मेट्रो, तो उस हिसाब से जो भी हो। देखो सभी मेट्रो स्टेशन अभी बंद है, तो काफ़ी सुना सुना लग रहा है। चले हम खोल छक्का को क्रॉस करके फिर आगे निकलना है हमको। यस वाह, इधर तो और बढ़िया है यार, यहाँ पे देखो काफ़ी नज़दीक नज़दीक ये सारा पेंटिंग है, तो इसलिए और बेहतर लग रहा है। ये जितना नज़दीक नज़दीक पेंटिंग है ना, उतना मस्त मस्त लगता है। यहाँ से हमें लेफ्ट टर्न लेना पड़ेगा, यस लेफ्ट टर्न। इस साइड का रोड भी काफ़ी बेहतरीन है, वाह। चलो अभी तो कोई चाय दुकान वगैरह सब खुला हुआ है, आते वक्त ट्राई किया जाएगा। आओ यहाँ से हमें फिर राइट लेना पड़ेगा, यस। देखो यार कितना बेहतरीन रोड है, और ये रोड पे मैं जब भी आता हूँ ना, इतना मस्त लगता है, क्योंकि दोनों साइड में खजूर का पेड़ लगाया हुआ है, पूरा सुनियोजित तरीके से इसको मतलब प्लानिंग के मुताबिक इसको यहाँ पे लगाया गया है। और ये ब्रिज है, हिंडन रिवर है, ये लोग सभी वॉक के लिए आया है, ये भी लोग साइकिलिंग कर रहा है, काफ़ी बेहतरीन, अच्छा बात है। देखो यार दिल्ली में भी ऐसे रोड देख के मुझे बहुत ही खुश होता है,
कि इतना खाली खाली और इतना बेहतरीन रोड बनाया गया है, पूरा सुनियोजित तरीके से इसको प्लानिंग किया गया है और बहुत ही मस्त लगता है। मेरे सामने यहाँ पे बड़े बड़े बिल्डिंग आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ से हमारे दूर नहीं है, नज़दीक है, हम पहुँच गए हैं। ये है राजनगर एक्सटेंशन, पूरा हाई राइज बिल्डिंग है चारों ओर और बहुत ही बड़ा, मतलब बहुत ही बढ़िया सोसाइटी बनाया गया है यहाँ पे। ये देखिए काफ़ी बड़ा बड़ा ऊंचा ऊंचा बिल्डिंग्स है और हम जिस रोड से जा रहे हैं ये वन वे है, यहाँ से वन वे है और इसकी अपोजिट साइड वाला उस तरफ है वन वे। तो काफ़ी बेहतरीन एरिया मुझे लगा है यहाँ पे। ये वाला रोड पकड़ के अगर हम सीधा चलते रहेंगे आगे से लेफ्ट टर्न आएगा, यहाँ से जाएगा मेरठ देहरादून के लिए, आपको हाईवे मिल जाएगा। अभी तो हम ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, यहीं से हम यू टर्न ले लेंगे। आगे आप देख पा रहे हो यहाँ पे सिटी फॉरेस्ट गाजियाबाद, काफ़ी बेहतरीन एंट्री गेट बहुत बढ़िया बनाया गया है। देखो चलो इसके अंदर जाके देख, सिटी फॉरेस्ट गाजियाबाद, देखते हैं जाने के लिए रास्ता तो होगा। सर जा सकते हैं, इधर जा सकते हैं, पैदल जाना अलाव है, पैदल जाना अलाव है, जाना अलाव ही नहीं है। अच्छा अच्छा, मैं सोचा वो कोई बोल रहा था इधर घूमने के लिए जाते हैं। इसके अंदर क्या चाहिए, पार्क है अंदर, कुछ भी ना है। अच्छा बस ये नदी है, हिंडन रिवर है ना ये। अच्छा ये हिंडन नदी है ना। चलो हमको तो वही देखना था बट हम सोचे क्यों ना थोड़ा सा एडवेंचर कर लिया जाए, इसलिए हम आ गए हैं यहाँ पे कच्चा रोड पे। चलो देखते हैं कहाँ तक जा पाते हैं, फिर आगे से वापस आएंगे। इधर का तो रोड इतना अच्छा नहीं है, इधर देखते हैं। अच्छा ग्राउंड है, बच्चे लोग खेल रहे हैं क्रिकेट। ये मार दिया चौका। अच्छा ये राजनगर एक्सटेंशन एरिया में पड़ेगा, आगे नदी है। यहाँ पे प्लॉट अलग अलग से प्लॉट बना हुआ है, तो भविष्य में डेवलपमेंट यहाँ पे होने वाला है। अच्छा ये तो रास्ता इतना सही नहीं है, तो यहाँ से हमको वापस जाना पड़ेगा। बट एक चीज यहाँ पे है, कीचड़ बहुत ज्यादा है इसलिए थोड़ा सा, और ये पत्थर जिसकी वजह से डर है कि पंक्चर वगैरह ना हो जाए, होना नहीं चाहिए। यहाँ से ऊपर की ओर जाते हैं और यहाँ पे देखो लिखा है गाजियाबाद में आपका स्वागत है। अच्छा काफ़ी बेहतरीन से लिखा हुआ है भाई। तो यहाँ पे अपना बाइक को खड़ा करते हैं, पहले एक फोटो लेते हैं। दोस्तों आज का राइड काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी घूमे, ज़्यादा वीडियो तो हम बनाए नहीं बट लोकेशन बहुत ही अच्छा लगा। जो राजनगर एक्सटेंशन वाला एरिया है ना, बहुत ही ज़बरदस्त है। तो
तो आज का राइड हम अभी समाप्त कर रहे हैं क्योंकि अभी हम अपना रूम में पहुंच गए हैं। तो अगर आप लोग अभी तक जुड़े हुए हो इसका मतलब आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज के लिए यही तक, तो अपने और अपनों का ख्याल रखिए, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।